हेलो एंड वेलकम टू द स्टूडियो ट्रेडर्स। IGL को आज के दिन हम ट्रेड कर रहे हैं, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। हमें याद है कि एक ट्रेड हमने इसके अंदर एग्जीक्यूट किया था और पूरी तरह से ये स्टॉक साइडवेज होकर के रह गया था। सो, आज भी हमने इसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढी और बाई साइड में जाने की कोशिश की है। 497.25 रुपये पर हमने इसके अंदर अपनी एक एंट्री बनाई है। स्टॉप लॉसेस जो इसके अंदर हमने अपने काउंट किए हैं 496 रुपये के स्टॉप लॉस हैं। IGL के अंदर एक डीप एनालिसिस हम लोग आज के दिन करेंगे, जिसमें हायर टाइम फ्रेम को देखेंगे, लोअर टाइम फ्रेम को देखेंगे, हायर टाइम फ्रेम के प्राइस के सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करेंगे, किस टेक्निक से हमने हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले हैं, लोअर टाइम फ्रेम पर आकर के कैसे हमने इसके अंदर अपनी एंट्रीज ली, प्राइस के अपने सपोर्ट के नीचे क्लोज ना होना, सस्टेन करना अपसाइड की तरफ, वॉल्यूम्स का इंक्रीज होना है, ये कुछ सिग्नल्स होते हैं कि प्राइस अपसाइड की मूव हमें दिखा सकता है क्योंकि वो डाउनसाइड की तरफ नहीं जा रहा है। दो ही चीज़ होंगी, या तो प्राइस नीचे गिरेगा या अपसाइड की तरफ जाएगा। आगे चलकर का डिस्कशन करेंगे। ऑर्डर बुक देख लेते हैं यहाँ से हम लोग एक बार। पहले पोजीशन बुक देखते हैं। देखिए, ओवरऑल जो अपनी क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पर, 1547 क्वांटिटीज़ का ऑर्डर हमारा चल रहा है, जिसका ओवरऑल जो प्रॉफिट हमको इस वक्त दिख रहा है 4,000 या 3,900 अभी हो चुका है। मॉर्निंग में एक ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया था पावर ग्रिड का, जिसके अंदर लगभग 1200 रुपये का हमको लॉस दिख रहा था और 1200 रुपये का लॉस बुक करके हम बाहर निकल गए थे। अभी उसको भी देखेंगे कि क्यों पावर ग्रिड के अंदर से हम बाहर निकले। उससे पहले ये ऑर्डर बुक देखिए। ऑर्डर बुक में टोटल क्वांटिटीज़ जो हमारे अंदर काउंट हमने जो की थी, टोटल 1600 क्वांटिटीज़ थी। कुछ क्वांटिटीज़ ये हैं और बाकी की हैं, तो 327 क्वांटिटीज़ हमारी डाउनसाइड की तरफ थी और 547 अपसाइड की तरफ। ओवरऑल जो राउंड फिगर हमने निकाला था, 1600 क्वांटिटीज़ का ऑर्डर हमको एग्जीक्यूट करना था। थोड़ा ऑर्डर हमने बाद में लगाया और कुछ पहले लगा दिया था। तो 1547 पर 496 रुपये पर इतनी, ये तो अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर है, ये अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर है 496 रुपये का। और ये डाउन साइड की तरफ देखिए, 1273 क्वांटिटीज़ थी, ठीक है, 1273 क्वांटिटीज़ का ऑर्डर है 497.25 रुपये पर, ये फुल्ली एग्जीक्यूटेड है। और 327 क्वांटिटीज़ का जो ऑर्डर था, उसमें सिर्फ 274 क्वांटिटीज़ हमारी एग्जीक्यूट हो पाई हैं, जिसमें से 497.25 रुपये पर, ये भी ऑर्डर हमारा 497.25 पर ही मिला। मतलब ऑर्डर लगाया था 497.25 रुपये पर, बट प्राइस जो हमको मिला है वो 497.35 रुपये पर मिला। ओवरऑल राउंड फिगर अगर हम देखते हैं, काउंट जो हुआ है, एवरेज प्राइस हमारा वो 497.27 रुपये का हुआ है। पावर ग्रिड के अंदर हमने लॉस बुक किया 1200 रुपीज़ का, और IGL के अंदर एक अच्छी क्वांटिटी मिली, इस वजह से हमने इसके अंदर 1600 क्वांटिटीज़ के लगभग ऑर्डर लगाया था। कुछ क्वांटिटीज़ हमारी अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है, अभी थोड़ी देर में उसको हम कैंसिल कर देंगे। ओवरऑल इस वक्त का जो अपना प्रॉफिट चल रहा है 3800 रुपीज़ का हो रहा है। चलिए वापस चलते हैं। ये देखिए, पावर ग्रिड में काफ़ी अच्छा मूवमेंट अप साइड की तरफ देखने को मिल गया और मेरी उम्मीद थी कि प्राइस गिर सकता है। IGL में हमने आज के दिन की है बाई। लेवल हमारा कौन सा, अभी हमने देखा 497.25 रुपये का। अब डेली टाइम फ्रेम पर प्राइस को देखेंगे, सभी रेंजेस को डिलीट कर देते, सिर्फ वॉल्यूम्स को रीड करते हैं। देखिए 10th of November को सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया था यहाँ पर। मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे, क्योंकि प्राइस देखिए अपना गिर रहा है, यहाँ पर बायर्स आपको बहुत कम नज़र आएंगे, बहुत कम बायर्स हैं। कन्फर्म कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जिसके अकॉर्डिंग हम बायर और सेलर्स के होने को, मतलब जिनकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, उस साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू हायर एंड लोअर टाइम फ्रेम के एनालिसिस पर। यहाँ पर देखिए क्या है कि लोअर टाइम फ्रेम पर कितने सारे, हायर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हमको बायर्स कम ही नज़र आ रहे हैं। हर बार देखिए यहाँ पर सेलर्स की तादाद बढ़ी हुई है, सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, बायर्स आपको कम मिलेंगे। अब हम आकर के यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मान के चलिए यहाँ से अगर हम काउंट करने की कोशिश करते हैं, देखिए बायर्स आए कमज़ोर पड़े, सेलर्स भी आए हैं और उसके बाद में सेलर्स उठ गए हैं, तब से देखिए सेलर्स के अंदर की कोई वॉल्यूम का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, यहाँ पर बायर्स आ चुके थे। उसके बाद में देखिए अचानक से प्राइस में यहाँ से सेलर्स फिर से इन्होंने अपनी वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट किया, मतलब मोर सेलर्स आए। IGL में अब हायर टाइम फ्रेम पर चलते हैं, हायर टाइम फ्रेम पर प्राइस को एक बार देखने की कोशिश हम लोग करेंगे। देखिए हायर टाइम फ्रेम पर डेली से हट करके वीकली पर जाएंगे तो और ज़्यादा कन्फर्मेशंस आपको मिलेंगी। एक्चुअली काफ़ी बार हमने आपको बताया है, इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि एक कोई सपोर्ट लाइन आपके पास है, ये एक सपोर्ट लाइन है, प्राइस आपका इस रेंज के नीचे की दिशा में ट्रेवल कर रहा है इस तरह से। अब ये हमारा कोई एक सपोर्ट पॉइंट हो गया, प्राइस इसी सपोर्ट के ऊपर आपका सपोर्ट ले रहा है बार बार, इस वाली रेंज से ऐसे 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 यहाँ से। अचानक से क्या होता है कि अपनी रेंज के डाउन साइड की तरफ प्राइस निकल जाता है यहाँ से,
और निकल जाने के बाद में वापस से प्राइस आपका इसको एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करता है, और रेजिस्टेंस बना देने के बाद में इसी रेजिस्टेंस को वापस से सपोर्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये बहुत सिंपल होता है समझने में, जस्ट इसका आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। आज जो हमको हमारा प्राइस मिला है अपने इसी सपोर्ट के ऊपर में प्राइस हमको मिल गया इस वाली रेंज पर, तो ओवरऑल हमें कन्फर्मेशंस जो मिल रही हैं ये प्रीवियस डाटा को रीड करने के बाद में कि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था रेजिस्टेंस के डाउन साइड से, अप साइड से अगर हम देख रहे हैं तो ये एक सपोर्ट पॉइंट था। रेजिस्ट करना शुरू किया प्राइस ने यहाँ से, और वापस से देखिए यहाँ पर प्राइस ने अपना एक सपोर्ट फॉर्म कर लिया। तो आज जो हमको प्राइस मिला है अपनी इसी रेंज के पास में मिला है। हमने क्या किया है कि इस रेंज पर कुछ हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो जैसा अभी हम लोग कर रहे हैं वो, प्लस लोअर टाइम फ्रेम के अंदर एंट्रीज की कन्फर्मेशन के बाद में इसके अंदर हमने अपनी एंट्रीज ली स्टॉप लॉसेस लगाने के बाद। ओके, सो स्टॉप लॉस लगा है और हमने इसके अंदर अपनी एक एंट्री ली। हमको हमारा प्राइस पूरी तरह से एक सपोर्ट लाइन पर मिला, सपोर्ट्स पर हम इसको ट्रेड करेंगे। ओके, सो सपोर्ट पर ही हम इसको ट्रेड करें। अब देखिए इनको सबको हम डिलीट कर देते हैं और चलते हैं सीधे हायर टाइम फ्रेम पर। हायर टाइम फ्रेम पर आप एक कैंडल देखिएगा, जैसे वीकली का चार्ट है, एक कैंडल लाइक कि ये जो रेड वाली कैंडल है हमारी, हमने इसको मार्क कर दिया। ये रेड वाली कैंडल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका अपना एक सिग्निफिकेशन है हायर टाइम फ्रेम पर, और प्रीवियस डाटा को अगर हम रीड करते हैं तो ये कैंडल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल बनती है। अगर हम इसका लो मार्क करते हैं तो देखिए क्या क्या हमारा यहाँ पर कवर होता है। प्रीवियस जितने भी सपोर्ट पॉइंट्स लिए गए हैं सब के सब इसी कैंडल के प्राइस पर लिए गए हैं। इस कैंडल ने जो लो लगाया है इसी प्राइस पर ही सपोर्ट्स लिए गए हैं। कल की रेंज में क्या हुआ था कि प्राइस देखिए यहाँ से गिर रहा है ना, लगातार प्राइस यहाँ से गिर रहा है। गिरने के बाद में ये एक रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, ये जो रेड कैंडल्स की रिट्रेसमेंट आपको दिख रही है, प्राइस डाउन साइड की तरफ गिरा, और ये ग्रीन कैंडल की रिट्रेसमेंट। बट रिट्रेसमेंट के बाद में क्या हुआ है कि रिट्रेसमेंट एग्जैक्ट सही जगह पर हुई है, मतलब आपके रेजिस्टेंस से ऊपर प्राइस निकलने की कोशिश किया है और अगेन रेजिस्टेंस के अंदर ही आकर के क्लोज हो गया। बट आज की जो ओपनिंग हुई है, जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि सपोर्ट के ऊपर प्राइस ने ओपनिंग कर दी यहाँ पर, अब सपोर्ट के ऊपर ओपनिंग कर देने के बाद में प्राइस अगर उसको वाकई में गिरना है तो क्या करेगा कि सपोर्ट्स को ब्रेक कर देगा और गिर जाएगा डाउन साइड की तरफ इस तरह से। बट सपोर्ट को ब्रेक कर देने के बाद में प्राइस ने सस्टेन करना शुरू कर दिया इसी लेवल पर, यानी कि हायर टाइम फ्रेम की प्राइस एनालिसिस ये है। अब चलिए सीधे हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम्स पर। यहाँ पर देखिए लोअर टाइम फ्रेम पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो रेंज अभी हम लोगों ने मार्क की है उसी रेंज पर प्राइस ने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर। हमने क्या किया कि मार्किंग्स जैसे अपने मेथड से मार्किंग करने के, उस मेथड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से मार्किंग करना शुरू कर दिया। एग्जैक्ट जो प्रीवियस डे की हमको कैंडल इंपॉर्टेंट लगी वो वन ये वाली कैंडल थी, एग्जैक्ट लो पॉइंट है ना। कल की 11:05 की कैंडल ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन गई। ये एक ऑन एन एवरेज हमारे लिए एक रेंज निकल करके चली आई जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेंज थी, 497.50 और 497। अब हमको जो अपनी एंट्री डिसाइड करनी थी अपनी इसी रेंज से एंट्री डिसाइड करनी है। ओके, सो एवरेज प्राइस जो हमको मिला 497.25 का, एग्जैक्ट 497 और 497.50, इसके बीच का जो प्राइस हमको मिला है 497.50 का प्राइस हमने इसके अंदर अपना डिसाइड किया, सॉरी 25 का ये वाला प्राइस। क्यों किया आपको मालूम है कि ये अपना एक एवरेज सपोर्ट पॉइंट है। प्राइस को अगर डाउन साइड की तरफ जाना है तो यहाँ से लोअर लो लोअर हाइस, लोअर लो एंड लोअर हाइस लगा करके निकल जाना। प्राइस ने क्या किया है कि अपने रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करना यहाँ से शुरू किया और सपोर्ट्स को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। अब प्राइस अपने सपोर्ट्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हायर टाइम फ्रेम पर हमने देखा तो उसने भी अपने सपोर्ट्स के ऊपर सपोर्ट लेना शुरू किया। सो IGL के प्राइस एक्शंस को देखते हुए हमको ऐसा लगा कि प्राइस आज अपसाइड की मूवमेंट दिखा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक रिट्रेसमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये रिट्रेसमेंट होती तो मॉर्निंग में प्राइस देखिए गिरा है, गिर जाने के बाद में अपने एक सपोर्ट लेवल पर आया और सपोर्ट्स के बाद में सपोर्ट्स को ब्रेक करना शुरू करना चाहिए था प्राइस को, बट प्राइस ने सपोर्ट ब्रेक करना शुरू नहीं किया और यहीं से प्राइस अपसाइड की तरफ घूम गया। तो ये अपनी हायर एंड लोअर टाइम फ्रेम की एनालिसिस है। देखिए शुरुआत में अगर आप इसको देख रहे हो तो हो सकता है आपको ये टफ लगे, मे बी अंदर से लगे कि यार हमसे नहीं हो पाएगा ये, कोई इंडिकेटर वगैरह बता दो। आप चाहे जितने अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स यूज़ कर लो, आपको आज नहीं तो कल प्राइस एक्शन को पकड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल प्राइस एक्शन पर आना ही पड़ेगा। प्राइस एक्शन तो मस्ट है। हाँ, इसको सीखने के बाद अगर आपको कोई इंडिकेटर लगाने हैं, कुछ इसके अंदर आपको मूव्स कैच करने या कन्फर्मेशन के साथ आपको प्राइस में काम करना है तो उसके लिए आप इंडिकेटर्स का यूज़ कर सकते हो ना। लेकिन अब आप कहिए कि विदाउट प्राइस एक्शन को सीखे या बिना प्राइस एक्शन की प्रैक्टिस किए या एक्सपीरियंस लिए उसका हम इसके अंदर काम कर लेंगे तो इम्पॉसिबल है ना।
शुरुआत में थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन क्या जब धीरे 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 आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो बहुत आसान हो जाएगा ये, बहुत आसान है। जैसे हम प्राइस को एनालाइज करते हैं वैसे ही आप भी एनालाइज कर पाओगे। क्या करना होगा उसके लिए कि डेली प्रैक्टिस चाहिए होगी, डेली प्रैक्टिस चाहिए होगी। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करते हैं बातों को अपनी, और इस वक्त का जो अपना प्रॉफिट चला है 5000 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट है। 1200 का हम लोगों ने लॉस ऑलरेडी बुक कर चुके हैं पावर ग्रिड के अंदर, 497 और ट्रेड, चलिए 497.25। ओके 497.25 पर अपनी एंट्री है, एंड 497.25 और 496। सो 496 हमारा स्टॉप लॉस है, 497.25 हमारी एंट्री है। अब स्टॉप लॉस से क्यों है, हमने कोशिश की है सबसे सेफ स्टॉप लॉस लगाने की। तो ये जो कल की कैंडल है हमारी 10:20 की कैंडल, इसको एक इंपॉर्टेंट कैंडल मानते हुए हमने इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाया है। और जब हम इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो देख रहे हैं कि कल का भी लो हमारा कवर हो रहा है इसके अंदर, और आज का जो स्विंग लो है ये भी पूरी तरह से कवर हो रहा है। तो एक सबसे सेफ स्टॉप लॉस है, एक अच्छा स्टॉप लॉस हमारे लिए है। ओके टारगेट्स अभी हमने इसके अंदर कुछ ऐसे डिसाइड नहीं कर रखे हैं, जस्ट 505 पर हम एक बार कोशिश करेंगे कि अगर प्राइस अपने हाई को ब्रेक कर देता है 505 पर प्राइस जा सकता है। ओके सो अभी हम देख रहे हैं कि 505 पर प्राइस के जाने का वेट करेंगे। वहां पर पहुंचने से पहले अगर प्राइस के अंदर कुछ ऊपर नीचे हमें प्राइस एक्शंस दिखते हैं या फिर कंफर्मेशन मिलती है कि प्राइस डाउन साइड की तरफ मूव हो रहा है, तो अपने टारगेट्स को हमें रिवाइज भी करना पड़ सकता है। अभी ऐसा कुछ हम लोगों का प्लान नहीं है, ना ही ऐसा कुछ मूड है। अभी हम प्राइस को मूव होने का पूरा समय देंगे, एंजॉय करेंगे अपना ये पूरा ट्रेड आज का, एंड स्टॉप लॉसेस को छुएंगे नहीं, कोशिश करेंगे ज़रूरत पड़ी, तो अभी हमने कहा ना ज़रूरत पड़ी तो अपने टारगेट्स को हम रिवाइज कर सकते हैं। एंजॉय करते हैं अपना ये ट्रेड आज का, और कोई बड़ा मूव होता है तो आपको इन्फॉर्म करते हैं। ट्रेडर्स IGL के अंदर जिस मूवमेंट की हमको तलाश थी और जिस तरह की मूवमेंट की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, एग्जैक्ट उसी तरह की मूवमेंट हमको देखने को मिली है। और प्राइस इस वक्त जो ट्रेवल कर रहा है एग्जैक्ट 505 पर हमारा ट्रेवल कर रहा है, अभी तो काफ़ी ऊपर है, 506 पर ट्रेवल कर रहा है। और इस वक्त का जो अपना प्रॉफिट है, पोजीशन बुक परफेक्ट, ठीक है, 13,700 रुपीज़ का प्रॉफिट हमारा चल रहा है। ओवरऑल IGL एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो हमको दे रहा है, और एक अच्छे रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ ही ये ट्रेड हमारा रनिंग भी है। ओवरऑल इस वक्त का जो अपना प्रॉफिट है 13,700 रुपीज़ का है, और एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस मूव करके हमारा अब जो नेक्स्ट लेवल इसका निकल करके आ रहा है 509 रुपये का है। सो थोड़ा सा हम समय लेंगे यहाँ पर सोचने का कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए या फिर यहीं से अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना होगा। 505 हमारा लेवल था, और इस वक्त जो हम अपना टारगेट बुक करना चाहेंगे 506, हम 506 पर अपनी सभी क्वांटिटीज़ को निकालेंगे, क्योंकि देख करके ऐसा लग रहा है वॉल्यूम्स की मूवमेंट और प्राइजेस के प्रीवियस जो रेजिस्टेंस पॉइंट है एग्जैक्ट प्राइस हमारा उसी रेंज पर है। बहुत ज़्यादा चांस है कि प्राइस अगर डाउन साइड की तरफ गिरे तो एक अच्छा रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, जिससे कि आया हुआ प्रॉफिट हमारा जा सकता है। दूसरा रीज़न हमारा निकलने का ये है कि 504.95 ये हमारा टारगेट पॉइंट था, उसको भी प्राइस ने अचीव ही कर लिया है। सो अभी टारगेट से ज़्यादा हमको अच्छा रेट मिल रहा है, अच्छा प्राइस मिल रहा है, सो यहाँ पर अब हम निकलेंगे। ओके सो निकलते हैं, चलिए यहाँ से पोजीशंस को अपनी हम लोग स्क्वायर ऑफ करते हैं, एंड ऑर्डर बुक 496, सो स्क्वायर ऑफ पोजीशंस 13,122। सबसे पहले स्टॉप लॉस ऑर्डर को कैंसिल करेंगे, स्टॉप लॉस कैंसिल, पोजीशन बुक एग्जैक्ट प्राइस 496, इस वक्त का जो प्राइस चल रहा है 505, 505, 505.50 नीचे आ गया है। चलिए स्क्वायर ऑफ 506, चलिए 506 पर हमने अपना ऑर्डर यहाँ पर लगा दिया है। 506 रुपये पर 1547 क्वांटिटीज़ का ऑर्डर हमारा लगा हुआ है, और चलिए सभी ऑर्डर्स निकल गए हमारे। आज का हमारा ये ट्रेड यहीं पर ख़त्म होता है। IGL के अंदर जो भी हमने अपनी पोजीशंस ली थी उसके अंदर हमको जो ओवरऑल आज का प्रॉफिट हुआ है 13,500 का प्रॉफिट है, और मॉर्निंग में 1,200 रुपीज़ का हमारा लॉस हुआ था। तो ओवरऑल जो आज का हमारा प्रॉफिट निकल करके आया है 12,308.84 का प्रॉफिट है, एंड एक ठीक ठाक प्रॉफिट है। 506 पर हमने यहाँ से एग्जिट मार दी है, मे बी चांस है कि 506 से प्राइस अपसाइड की तरफ भी जा सकता है, या फिर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यही हमारा आज का टॉप भी बन सकता है। पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ भी हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि 506 हो सकता है आज के दिन कि एक टॉप बनकर हमारे सामने ये सस्टेन कर जाए, बिकॉज वॉल्यूम्स की कन्फर्मेशन कुछ इस तरह की हैं कि थोड़ा सा मुश्किल होगा प्राइस को यहाँ से अपसाइड की तरफ जाना।
ओके सो अपना ट्रेड हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। सो जितनी भी क्वांटिटीज हैं सारी की सारी फुली एग्जीक्यूटेड, ये कैंसिल है, ये पेंडिंग पड़ी हुई है, इसको भी कैंसिल करते हैं, ये स्टॉप लॉस ऑर्डर है एक्चुअली। ठीक है 274 का ये स्टॉप लॉस को कैंसिल करते हैं। ओके ये वो क्वांटिटीज हैं जो कि स्टार्टिंग में हमारी रह गई थी, शायद 30 प्लस क्वांटिटीज थी जो हमारी ऑर्डर पेंडिंग रह गया था, सो ये वो वाला ऑर्डर था। ओके फुल्ली एग्जीक्यूटेड 4000 क्वांटिटीज से तो पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो चुकी थी। ठीक है पोजीशन बुक परफेक्ट, एक भी ऑर्डर अपना रनिंग नहीं है, सारे ऑर्डर्स क्लोज हो चुके हैं 13,500 एंड 12,300 परफेक्ट। ठीक है सो आज का ये ओवरऑल ट्रेड था हमारा, प्राइस और भी ऊपर जा रहा है, क्या बात है, कोई बात नहीं। ओके सो थैंक यू, गुड बाय एंड आई होप ये IGL को हमने अपने ग्रुप पर दिया था मॉर्निंग में, आप लोगों के साथ शेयर किया था और एग्जैक्ट इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के हमने आपको शेयर किया था और हमने खुद भी आज इसको ट्रेड किया। सो अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनको हम अपने पब्लिक ग्रुप में शेयर करते हैं और कुछ स्टॉक्स और उनके लेवल्स होते हैं जिनको अपने प्राइवेट ग्रुप में ही या फिर अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में ही हम उसको शेयर करते हैं। ओके सो थैंक यू, गुड बाय एंड वी विल मीट अगेन।